हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो जाता है, स्पेशली जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं उनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर ही हो जाता है। इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, वो रीज़न्स क्या हैं, कैसे हम बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को घरेलू उपचार से ही ठीक कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे पता करें बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर बच्चा स्टूल पास करते टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, यानी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पॉटी पास करते टाइम, इसका मतलब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और कॉन्स्टिपेशन होने के कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट रीज़न है, अगर ठंड का मौसम है तो बच्चा पानी कम पीता है, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चा 1 साल से बड़ा है और प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, केवल दूध ही दूध ज़्यादा पीता है, तो भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। 1 साल से बड़े बच्चे लगभग 3 टाइम मील खाने लगते हैं और 2 टाइम स्नैक्स, लेकिन कुछ बच्चे दूध ही ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, कोई ऐसा फूड जिसे खाने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ फूड बच्चों को सूट नहीं करते हैं, उसे खाने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या होम रेमेडीज़ हैं जो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्दी ठीक कर देती हैं। तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चे को है तो आप उसे हल्के गुनगुने पानी से नहलाइए। बच्चे की पेट की मालिश हल्के गुनगुने मस्टर्ड ऑयल से करिए, इससे बहुत जल्दी बच्चे का स्टूल पास हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे के पेट की सिकाई करिए। इसके लिए तवे पर एक कपड़े को गर्म कर लीजिए, उसे हाथ पर रखकर चेक करिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ कपड़ा, और उस कपड़े को बच्चे के पेट पर रख दीजिए और बच्चे के पेट की सिकाई करिए, इससे भी बच्चे का स्टूल पास हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसकी नाभि के आसपास के एरिया पे हींग का पेस्ट लगा दीजिए, इससे भी बच्चा स्टूल पास कर देता है। नेक्स्ट है, बच्चे को देसी घी ज़रूर खिलाइए। अगर बच्चा 7 मंथ से बड़ा है तो आप उसे किसी भी फॉर्म में देसी घी ज़रूर खिलाइए। जो भी बच्चा खा रहा है उसमें कुछ ड्रॉप देसी घी की डाल दीजिए। स्पेशली रात के खाने में बच्चे को देसी घी खिलाइए। अगर बच्चा बड़ा है तो रोटी सब्जी या दाल में देसी घी डालकर दीजिए, बच्चे को दूध में देसी घी डालकर दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चे को हाई फाइबर वाला खाना खिलाइए, जैसे ओट्स, खिचड़ी, दलिया। फ्रूट्स में आप बच्चे को पपाया खिला सकते हैं, पियर यानी नाशपाती खिला सकते हैं, एप्पल खिला सकते हैं। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में बच्चे को बनाना बिल्कुल भी मत खिलाइए। नेक्स्ट है, बच्चे को पालक खिलाइए। पालक आप सूप की फॉर्म में दे सकते हैं, सब्जी की फॉर्म में दे सकते हैं, इससे भी बच्चे का कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक होता है। नेक्स्ट है, बच्चे को किशमिश खिलाइए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, डायरेक्ट किशमिश खा सकता है, तो बच्चे को किशमिश ऐसे ही खिला दीजिए। और अगर बच्चा छोटा है तो किशमिश को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए, फिर उसे छान लीजिए, उसका पानी लीजिए, उस पानी को दिन में 2 बार बच्चे को पिलाइए, इससे भी बच्चे का पेट साफ हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, उसे खूब पानी पिलाइए, हल्का गुनगुना पानी बच्चे को पिलाइए, इससे बच्चे का पेट साफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिपेशन होने पर बच्चे को हनी खिलाइए, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है उस केस में। ये भी बहुत अच्छा होता है बच्चे के पेट साफ करने के लिए। नेक्स्ट है, जायफल। बच्चे के पेट में दर्द है या बच्चे को कब्ज़ हो रहा है तो उस केस में जायफल को आप घिस लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, 0.5 ml 1 साल से छोटे बच्चे को खिला दीजिए। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो 0.5 ml जायफल में थोड़ा सा हानि मिलाकर बच्चे को खिलाइए, ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है, बच्चे को घुट्टी दीजिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकते हैं। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने पर जन्म घुट्टी गर्म पानी के साथ पिलाइए, इससे आप देखेंगे कि 1 से 2 घंटे में बच्चे का पेट साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।